और क्लास नाइन्थ के लौंडो, क्या हाल है तुम्हारे? सब एकदम बढ़िया। तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने काठमांडू चैप्टर के बारे में, जो कि यार नेपाल की राजधानी भी है। तो सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें यार घूमना फिरना पसंद है? क्योंकि यार मुझे तो घूमना बहुत ज्यादा पसंद है, और हमारे राइटर विक्रम सेठ को भी यार घूमना बहुत ज्यादा पसंद है। ये जो काठमांडू चैप्टर है तुम्हारा यार, ये हेवन लेक नाम की एक बुक है, उसमें से लिया हुआ एक छोटा सा पार्ट है। और इस चैप्टर में हमारे राइटर विक्रम सेठ ने यार अपनी जर्नी बता रहे हैं, जब वो यार चाइना से इंडिया आ रहे थे तिब्बत और नेपाल होते हुए। तो चलो यार कहानी शुरू करते हैं और देखते हैं कि यार राइटर अपनी जर्नी में क्या क्या करते हैं। जब वो नेपाल पहुंचते हैं तो नेपाल की राजधानी यार काठमांडू जाते हैं, और वहां पर यार एक सस्ता सा रूम बुक करते हैं। और रूम बुक करने के बाद यार वो कुछ घंटों के लिए सो जाते हैं, क्योंकि यार वो बहुत ज्यादा थक चुके थे। अगले दिन मिस्टर शाह के बेटे और भतीजे के साथ काठमांडू में बने हुए दो यार बहुत ही फेमस मंदिर है वो विजिट करने जाते हैं। उसमें से यार एक जो है वो हिंदू का है और दूसरा यार बुद्धिस्ट का है। तो सबसे पहले यार वो पशुपतिनाथ मंदिर जाते हैं, जो कि यार हिंदुओं का मंदिर है। और वहां पर यार जाते से ही वो देखते हैं कि वहां पर गेट पर साफ साफ लिखा हुआ था कि सिर्फ हिंदू लोग ही अंदर प्रवेश कर सकते हैं मंदिर में। मंदिर के चारों तरफ यार बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ था, पुजारी यार पूजा करवा रहे थे, जो यार भक्त जन थे यार वो पूजा करने के लिए लाइन में लगे हुए थे, टूरिस्ट लोग भी आए हुए थे जो कि यार मंदिर को विजिट कर रहे थे, घूम रहे थे। गाय, बंदर, कबूतर, कुत्ते, ये सारे जानवर वानवर यार ना इधर उधर मंदिर में चारों तरफ घूम रहे थे। हमारे राइटर और मिस्टर शाह के बेटे और भतीजे जो है ना यार वो साथ में जाते हैं और पुजारी को यार फूल देते हैं और कहते हैं कि पंडित जी उनका चढ़ा दियो। मतलब कि यार मंदिर के अंदर जो पंडित होते हैं ना उनको वो फूल देते हैं और कहते हैं कि भगवान के चरणों में चढ़ा दीजिए। वहां पर यार बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ था, लोग यार एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे और आगे जाने की कोशिश कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी जाकर वो पूजा करे और वहां से निकले चुपचाप। कुछ लोग यार पुजारी का टेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रहे थे, हो सकता है कि यार कोई चिल्ला रहा हो कि पंडित जी दंगा, हमर दंगा चढ़ा दू दंगा। वहीं दूसरी और कुछ लोग यार आगे जाने के लिए जो है अपनी केहनियों से दूसरे को साइड कर रहे थे, धक्का दे रहे थे। एक कह रहा था, ए बहुत जगह है, नहीं जगह है, बहुत जगह है, नहीं जगह है, अरे बहुत जगह है, अरे बोले ना नहीं जगह है, अरे चलो 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 बहुत जगह है। तभी यार नेपाल के राजघराने की एक राजकुमारी आती है और सब लोग यार साइड हो जाते हैं और उनके सम्मान के लिए अपना सर जो है यार वो नीचे झुका लेते हैं। मेन गेट पर कुछ लोग यार केसरिया कपड़ा पहनकर और एंट्री लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो पुलिस और जो चौकीदार था यार वहां पर वो कह रहे थे कि तुमको एंट्री नहीं मिलेगी क्योंकि यार तुम लोग हिंदू नहीं हो और सिर्फ हिंदू लोग ही अंदर आ सकते हैं। हमारे राइटर विक्रम सेठ ने यार एक एक चीज को बड़ी बारीकी से नोटिस कर रहे थे। वो ये भी नोटिस करते हैं कि वहां पर यार दो बंदर जो होते हैं ना वो लड़ लेते हैं यार आपस में। एक बंदर यार दूसरे बंदर का पीछा कर रहा होता है तो दूसरा बंदर यार कूदते कूदते यार शिवलिंग पे चला जाता है, फिर वहां से यार चारों तरफ मंदिर के घूमता है, फिर वो बंदर भागता भागते नीचे बागमती रिवर के पास चला जाता है। बागमती नदी के किनारे लाश जल रही थी, वहीं दूसरी ओर धोबिन जो है यार वो कपड़ा धो रही थी, कुछ बच्चे जो है यार उस नदी में नहा रहे थे, मंदिर के पुजारी यार ऊपर से फूल और पत्ते फेंक रहे थे जो कि यार पुराने हो चुके थे। मतलब यार बहुत सारे भक्त जन जो है वहाँ पे पत्ते और फूल चढ़ाते हैं, बहुत सारे प्रसाद चढ़ाते हैं, तो फूल और पत्ते यार पुराने हो जाते हैं तो उसको साफ करके वो नदी में फेंक रहे थे। नदी के किनारे यार एक पवित्र मूर्ति थी जो कि यार आधी जमीन में गड़ी हुई थी और आधी यार जमीन से बाहर थी। एक्चुअली में वहां पर एक देवी की मूर्ति है जो कि यार जमीन के अंदर आधी धंसी हुई है और आधी जो है ना यार वो बाहर निकली हुई है। और वहां के लोगों का मानना है कि जब ये मूर्ति पूरी तरह से जमीन से बाहर आ जाएगी तो उसमें से एक देवी निकलेगी और कलयुग का बुरा समय इस धरती पर से खत्म हो जाएगा। अब कलयुग क्या है तुम्हें पता ही होगा, क्योंकि यार हम लोग अभी कलयुग में ही जी रहे हैं। चार तरह के युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, और हम लोग यार अभी कलयुग में जी रहे हैं। तो यार उस पवित्र मूर्ति को लेकर वहां के लोगों का यार ये मानना था। हमारे राइटर विक्रम सेठ यार पशुपतिनाथ मंदिर को पूरी अच्छे तरीके से घूमते हैं, चारों तरफ से घूमते हैं, और फिर यार वो दूसरा मंदिर जो कि यार बुद्धिस्ट का है वहां पर जाते हैं। फिर यार वो बुद्धिस्ट के पवित्र स्थल बौद्धनाथ स्तूपा जाते हैं। वहां पर जाने के बाद वो देखते हैं कि वहां बहुत ही ज्यादा शांति थी। पशुपतिनाथ मंदिर में तो यार बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ थी, लेकिन यार यहां पर शांति थी। मंदिर का जो यार व्हाइट डोम था उसके चारों तरफ यार सड़कें थी, छोटे छोटे दुकान जो है यार वो किनारों में लगे हुए थे, और उसमें से ज्यादातर दुकान जो है ना यार वो तिब्बतन इमिग्रेट्स लोगों के थे। मतलब कि जो लोग यार तिब्बत से आए थे और नेपाल में बस गए थे उन लोगों के दुकान थे। तिब्बतन लोगों के छपे हुए कपड़े यार वहां पर बिक रहे थे, ज्वेलरी की दुकान थी जिसमें से तुम यार सिल्वर की ज्वेलरीज खरीद सकते थे। जहां पर यार मंदिर की गलियों में यार बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ था, शोर शराबा हो रहा था, ठीक है, बहुत ही नॉइज आ रही थी। वहीं दूसरी ओर उसकी विपरीत यार मंदिर पर बहुत ही ज्यादा शांति थी, कोई भी क्राउड नहीं था, एकदम शांत था यार। काठमांडू यार बहुत ही सजीव और धार्मिक स्थान है। गलियों में यार फूलों से सजे बहुत सारे देवी देवताओं के तुम्हें मंदिर दिख जाएंगे। फल बेचने वाले, बांसुरी बेचने वाले, पोस्टकार्ड बेचने वाले तुम्हें बहुत सारे लोग दिख जाएंगे वहां पर। कुछ दुकानदार यार फिल्म्स की रील बेच रही है, चॉकलेट बेच रही है, तांबे के बर्तन बेच रहे हैं, और कुछ यार नेपाल की पुरानी चीजें बेच रही है जो कि यार वहां के कल्चर में आता है। रेडियो में फिल्मी गाने बज रहे हैं, कार के हॉर्न बज रहे हैं, साइकिल में कोई घंटी बजा रहा है, कोई तो यार मोटरसाइकिल से जा रहा है और गाय को साइड करते हुए जा रहा है। दुकानदार यार अपना सामान बेचने के लिए जोर जोर से चिल्ला रहा है, जैसे कि यार रेडी वाले चिल्लाते हैं। जैसे यार हमारे यहाँ रेडी वाले नहीं चिल्लाते कि 100 रुपये में 2 कुर्ते, 100 रुपये में 2 कुर्ते, 100 रुपये में 2 कुर्ते, वैसे यार वहाँ के दुकानदार भी चिल्ला रहे थे। तो यार हमारे राइटर ना यार बिना सोचे समझे इन सब चीज़ों में मगन हो जाते हैं। कोयले पे भुनी हुई छल्ली जिस पर यार नींबू के साथ साथ नमक मिर्च लगाकर एकदम मिलता था वो यार खरीदते हैं। कुछ प्रेम कथाओं की किताबें भी खरीदते हैं और यार रीडर्स डाइजेस्ट भी खरीदते हैं।
साथ में यार कोको कोला और संतरे के जूस के साथ जो इनको मजा आ रहा था ना यार, ओ हो यार ये अलग ही दुनिया में चले गए थे एकदम से। तो यार वो मिस्टर शाह के बेटे और भतीजे के साथ दोनों मंदिर घूमने के बाद यार वो अपने घर पर आते हैं, जो यार रूम उन्होंने बुक किया था उस रूम पे आते हैं। और रूम पर आने के बाद यार वो घर जाने के बारे में सोचने लगते हैं कि कैसे कैसे वो घर जाएंगे, वो पूरा प्लानिंग कर लेते हैं यार एकदम से। वो सोचते हैं कि अगर मैं इसी एक्साइटेड के साथ घूमना चाहता हूं तो मुझे यार बस या फिर ट्रेन से पटना जाना चाहिए, फिर वहां पर गंगा नदी के दर्शन करते हुए नाव से सीधा यार बनारस जाना चाहिए, और फिर बनारस से गुजरते हुए इलाहाबाद जाना चाहिए, और फिर वहां से यमुना नदी होते हुए आगरा, और आगरा से गुजरते हुए दिल्ली पहुंच जाना चाहिए मुझे, अगर मुझे इसी एक्साइटमेंट के साथ घूमना है तो। लेकिन यार वो बहुत ही ज्यादा थक चुके थे और उनको यार घर की याद भी आ रही थी, तो वो कहते हैं छोड़ो यार कहाँ घूमना फिरना है, चलो डायरेक्ट कटवाते हैं यार अपने घर की टिकट वकट, बहुत थक गए नहीं जाएंगे अब। वो नेपाल के एयरलाइन ऑफिस जाते हैं और वहां से अपने लिए यार घर की टिकट बुक करा लेते हैं कल की। फिर यार वो एक बांसुरी वाले को देखते हैं जो कि यार चौराहे के किनारे पे यार खड़ा था, जो कि यार उनके होटल के नजदीक में ही था। वो देखते हैं कि उस बांसुरी वाले के हाथ में यार एक खंबा है, और उसके ऊपर में, उस खंबे के ऊपर में यार अलग अलग डायरेक्शंस में 50-60 बांसुरी जो है ना वो निकली हुई है अलग अलग डायरेक्शंस में, बिल्कुल एक जानवर की तरह जिसके यार अलग अलग डायरेक्शंस में कांटे निकले होते हैं। तुमने एक साहिल नाम का जानवर के बारे में सुना है, जो कि यार एकदम छोटा साइज ढंग का दिखता है, जिसके यार चारों तरफ ना कांटे निकले होते हैं, तो उसी ढंग से इस बांसुरी वाले का बांसुरी अलग अलग डायरेक्शंस में निकले हुए थे। वो यार कंपेयर कर रहे हैं बांसुरी वाले के इस बांसुरी को इस जानवर से। वो जितने भी बांसुरी थे वो बांस के बने हुए थे, उसमें यार क्रॉस फ्लूट्स भी थे, रिकॉर्डर्स भी थे, मतलब अलग अलग ढंग के बांसुरी थे। समय समय पर वो बांसुरी वाला अपना खंभे को नीचे रखता था, बांसुरी के खंभे को नीचे रखता था, उसमें से यार एक बांसुरी को निकालता था और उसको एकदम मग्न होकर बजाता था, और उस बांसुरी की आवाज़ इतनी मधुर थी ना यार कि जितने भी वहाँ पे ट्रैफिक साउंड्स और अलग अलग साउंड्स थे यार, उन सबसे एक हाई पिच साउंड्स यार हमारे राइटर को सुनाई दे रहा था उस बांसुरी का, एकदम मधुर आवाज़ सुनाई दे रहा था। वो एकदम धीरे धीरे ध्यानपूर्वक यार उस चीज़ को बजा रहा था बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए हुए, और बाकियों की तरफ वो अपने सामान को चिल्ला चिल्ला के नहीं बेच रहा था, जहाँ पर यार दूसरी और रेडी वाले चिल्ला चिल्ला के अपना सामान बेच रहे थे, वहीं ये यार अपना एक मधुर सा आवाज़ बांसुरी का निकालता था, और बांसुरी लेने के लिए जैसे ही कोई आता था तो थोड़ी देर वो रुकता था और उसको बांसुरी देता था, और फिर यार अपने मगन में वो बजाने लगता था। कभी कभी यार वो रुक कर फल बेचने वाले के साथ बात करने लगता था, और बहुत ही लापरवाही से अपने सामान को बेच रहा था, मतलब ऐसा समझ लो कि वो एक टेक्निक ही थी उसकी बेचने की। और तुम में से यार कई सारे लोगों ने देखा होगा यार बांसुरी वाले कैसे बांसुरी बेचते हैं, मेले वगैरह में तो देखा ही होगा, और बिहार यूपी वालों के लिए तो यार ये कॉमन सी चीज़ है। हमारे राइटर विक्रम सेठ यार उस बांसुरी वाले की जिंदगी के बारे में सोचने लगते हैं कि किस ढंग से वो सालों से इस बांसुरी को बेचते चला आया है। राइटर की नज़र यार उस बांसुरी वाले से हटी नहीं रही थी, क्योंकि यार एकदम मधुर आवाज़ निकाल रहा था वो बांसुरी का। जब भी यार राइटर को बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है ना, तो वो यार उसमें मग्न हो जाते हैं एकदम। बांसुरी का साउंड यार संसार और ब्रह्मांड का एक इकलौता साउंड है, जो कि यार उनको ना ग्रैप कर लेता है, उनको यार हिलने ही नहीं देता है, लगता है कि वाह सुनते रहे इसी साउंड को, सुनते रहो, एकदम मधुर आवाज़ आता है यार। आगे वो बताते हैं कि ऐसा कोई भी कल्चर नहीं है जिसमें यार बांसुरी का आवाज़ ना हो, सबका एक अलग अलग बांसुरी की आवाज़ है, जैसे यार जापान का शाकुहाची, हिंदुस्तान का डीप क्लासिकल म्यूजिक, साउथ अमेरिका का क्लियर और ब्रीथी फ्लूट, चाइनीज लोगों का हाई पिच वाला फ्लूट, मतलब यार कोई भी कल्चर हो उसमें यार बांसुरी का ना उनका एक अलग अलग आवाज़ है, फ्लूट के होल्स के ऊपर कैसे कैसे फिंगर्स रखने हैं, उनके एक अलग अलग टेक्निक्स हैं। और बांसुरी की आवाज़ ना यार मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, जो वो कृष्णा वाला म्यूजिक बजता है ना, जो कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे वो वाला म्यूजिक, ओहो क्या ही यार मज़ा आ जाता है। राइटर के अकॉर्डिंग बांसुरी सुनने का अर्थ ये है कि मनुष्य जाति को साधारण रूप से अपने साथ जोड़ लेना, मतलब यार एक पॉजिटिव फीलिंग्स आती है जो कि यार हमको ना एक दूसरे से कनेक्ट करके रखती है, एक पॉजिटिव एनर्जी तुम्हारे अंदर आ जाएगी। अगर तुमने अभी तक कभी भी बांसुरी की आवाज़ नहीं सुनी है ना, तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा तुम जाओ और कृष्ण का जो वो मधुर आवाज़ आता है ना यार वो तुम सुनो यार, मज़ा आ जाएगा एकदम। बांसुरी बजाते रहने के लिए यार हमें उसको फूंकते रहना पड़ता है, मतलब कि यार सांस को फूंकते रहो। बांसुरी की कुछ फेजेज है ना यार वो हमारे राइटर को अफेक्ट करती है, क्योंकि पिछली बार जब वो विदेश की यात्रा करके आ रहे थे ना, तो काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने इस चीज़ का विवरण नहीं किया था, मतलब इस सब चीज़ों को सुना नहीं था, इन सब चीज़ों के बारे में तुम लोग को बताया नहीं था, लेकिन इस बार वो इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। और इतना ही कहकर तुम्हारी इस कहानी को ख़त्म कर दिया है, ये यार पूरी स्टोरी नहीं है, ये बस यार एक छोटा सा पार्ट लिया गया है एक नोवेल बुक हेवन लेक से, ठीक है, जो कि यार मैंने तुम्हें शुरू शुरू में ही बताया था। तो अब यार तुम मुझे नीचे कमेंट में ये बताओ कि तुम्हें घूमना पसंद है या नहीं, और तुम जब घूमने जाते हो तो क्या क्या चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, ठीक है। तो चलो यार वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, और हाँ यार अगर तुमने अपने भाई का चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई लोग, चैनल को सब्सक्राइब मारो यार, फ्री का है, कर लो। चलो तो मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।